Hey guys, welcome to Target सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली, खंड शिक्षा अधिकारी और UPPCS एग्जाम की तैयारी के लिए अक्टूबर 2019 से लेकर के अप्रैल 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज नंबर आप 7 देख रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी और मार्च 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और आज का पहला क्वेश्चन देखिए। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की, तो 6 टेस्ट सीरीज से पहले की जा चुकी है, उनको भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 4 मार्च 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के 4 बैंकों में विलय की व्यापक एकीकरण को मंजूरी प्रदान की गई है। विलय के संबंध में कौन सा विकल्प या कथन सही नहीं है? देखिए, 10 बड़े सरकारी बैंक हैं, उनका विलय, उनको मर्ज किया जा रहा है 4 बड़े बैंकों में। अब स्टेटमेंट के थ्रू आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है या पहला ऑप्शन है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसे आप OBC बैंक बोलते हैं, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, जो 4 मार्च 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो पब्लिक सेक्टर के, या आप कह सकते हैं जो सरकारी क्षेत्र के 10 बैंक हैं, उनको 4 बैंकों में विलय के व्यापक एकीकरण को मंजूरी मिली है, और इसके तहत जो है OBC यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मिलाया जाएगा। ए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यह पहला ऑप्शन ठीक है। अगर हम बी की बात करें, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मिलाया जाएगा। सिंडिकेट बैंक को, ये कैमरा नहीं है, ये कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक में इसको विलय किया जाएगा, सिंडिकेट बैंक को, ये भी ठीक है इसका। थर्ड, अगर आप देखें, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया जाएगा। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया जाएगा। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब लास्ट देखिए, इलाहाबाद बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय होगा, ये गलत है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत, यानी हमें कौन सा चुनना है, गलत वाला ही हमें सेलेक्ट करना है जो सही नहीं है, ऑप्शन डी। इलाहाबाद बैंक का विलय अगर आपसे अलग से पूछ ले तो आप कहेंगे भारतीय स्टेट बैंक, सॉरी, इलाहाबाद बैंक का विलय आप कहेंगे भारतीय स्टेट बैंक में नहीं, जबकि ये इंडियन बैंक में इसका विलय किया जाना है। तो ये याद रखेंगे, अलग अलग आपसे सीधे सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ सकता है डायरेक्टली कि आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन से जुड़ी हुई है। कितनी भी तरह के क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सकते हैं जब आपके पास 3 से 4 तथ्यों में जानकारी अवेलेबल हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका। अगर इसमें ये पूछ ले कि ये विलय जो हुआ है, ये विलय कब से प्रभावी होगा, तो 1 अप्रैल 2020 से ये लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक पर नई शाखाएं खोलने पर बैन लगाया था, उसको जो है उसने हटा दिया। फरवरी 2020 में RBI ने बंधन बैंक पर नई शाखाएं, नई ब्रांचेस खोलने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। इस बैंक की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? ऑप्शन बी अगर आप देखें, 2015। तो RBI ने बंधन बैंक पे जो नई ब्रांचेस खोलने पर ये बैन लगाया हुआ था पहले, उसको हटाया गया है। अब RBI ने कहा है कि जो बंधन बैंक है, बंधन बैंक की ओर से एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में जो है जितनी भी शाखाएं खुलेंगी उसकी करीब 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने का आदेश दिया है। यानी जितनी भी, मान लीजिए 100 ब्रांचेस अगर बंधन बैंक खोलेगी देश में या किसी शहर में मान लीजिए, तो उसकी लगभग 25% का मतलब 100 में से 25 शाखाएं उसको गांवों में खोलनी होंगी जहां बैंकिंग की सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। और उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बंधन बैंक पर सितंबर 2018 में नई शाखा खोलने पर बैन लगाया था, जो अभी हटा लिया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, जनवरी 2020 में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 जारी किया गया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। कौन जारी किया है, किसने जारी किया इसको, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स जारी की गई है, जिसमें 50 देशों को शामिल किया गया है। और इसमें जो सूचकांक इंडेक्स बनाई है, इसमें पॉलिसी इन्वायरमेंट को लेकर के, टीचिंग इन्वायरमेंट को लेकर, और ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को लेकर के बनाई गई है। इसके तहत इस सूचकांक में जो है फिनलैंड को सर्वोच्च स्थान मिला है, फिनलैंड शीर्ष पर है इस इंडेक्स में, याद रखेंगे पहला, और दूसरे स्थान पर स्वीडन को आपको याद रखना है।
तीसरे स्थान पर हो जाएगा न्यूजीलैंड, चौथे पर हो जाएगा सिंगापुर, पांचवें पर नीदरलैंड। लेकिन पहला आपको याद रखना है, इस सूचकांक में पहला स्थान मिला फिनलैंड को और भारत का स्थान आपको याद रखना है इसमें। तो इसमें इस सूचकांक में भारत को जो है 35वां स्थान मिला है, ऑप्शन बी 35 पोजीशन। इससे पहले 2018 में भारत की इसमें रैंकिंग थी 40वीं, ठीक है। तो 40वां टिक नहीं करना है, इस बार होगी 2019 में 35वीं पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC 141B पर बैन लगाया है, इसका उपयोग किसके किस उद्योग में किया जाता है। जो फॉर्म आपने देखी होगी, फॉर्म उद्योग में फॉर्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, HCFC 141B इसका एक कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 7 जनवरी 2021 के मध्य 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो देखिए, इसमें जो है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसको बोलेंगे इंडियन साइंस कांग्रेस, जो कि 108वां संस्करण है इसका। 2021 में इसको पुणे यानी महाराष्ट्र में इसको आयोजित किया जाएगा। और कहाँ पर? सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इसको किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पुणे में। अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले अगर हम बात करें और इसकी थीम जो 21 वाले की थीम रहेगी, वो है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द वीमन एम्पावरमेंट, ये इसका थीम है। और जनरल प्रेसिडेंट कौन थे इसके? विजय लक्ष्मी सक्सेना इसके जनरल प्रेसिडेंट। अब अगर बात करें, इससे पहली बारी जो हुई थी 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया था, ये 19 वाली, तो ये किया गया था कर्नाटक में कहां? बेंगलुरु में, वो भी याद रखेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में बेंगलुरु कर्नाटक में 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हाल ही में निम्न में से किस विश्वविद्यालय के सर्वेक्षणकर्ताओं की टीम द्वारा वाराणसी के पास में प्राचीन शिल्प गांव की खोज की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी का करंट भी हो गया इसी तरह से ये। तो फरवरी 2020 में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के जो सर्वेक्षणकर्ता थे, उनकी जो टीम थी, उन्होंने भवनियाव गांव में जो है 4000 साल पुराने प्राचीन शिल्प गांव की खोज की है। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 21 फरवरी 2020 से 8 मार्च 2020 के मध्य ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। इस महिला टी ट्वेंटी विश्व कप के संबंध में कौन सा विकल्प या तथ्य सही नहीं है? पहला, ये महिला T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पराजित करके जीता है। 21 फरवरी 2020 से 8 मार्च 2020 तक चले इस ICC महिला T20 विश्व कप को जो है, विश्व कप 2020 को ऑस्ट्रेलिया में इसको करवाया गया है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। ये भी याद रखेंगे कहाँ पर हुआ है, इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया गया इसको महिला। और इसमें महिला T20 विश्व कप के इस संस्करण में कुल 10 देशों ने भाग लिया है, 10 देशों की जो महिला क्रिकेट टीम है उन्होंने भाग लिया है। और इसमें कौन कौन सी टीमें शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और थाईलैंड। इस विश्व कप में 8 टीमों ने सीधे इस टूर्नामेंट में भागीदार बनी है। तो इसमें देखिए, भागीदार मतलब भाग लिया है इन्होंने, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, सॉरी बी स्टेटमेंट इसका बिल्कुल ठीक है। इसको फिर से सुनिए, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसके स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट चेक करेंगे पहले ये सही है या गलत है। अगर इसकी बात करें, फाइनल मुकाबले में जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीम पहुंची थी, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रन से यहां हरा दिया था। और महिला T20 2020 विश्व कप का खिताब 5वीं बार उसने ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया सही इसका। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें बताना कौन सा विकल्प या तथ्य सही नहीं है। पहला तो सही है, इसमें 8 देशों की महिला क्रिकेट टीम ने भाग लिया, गलत है। इसमें जो है कुल, अभी डिस्कस किया था हमने, 10 टीमों ने इस संस्करण में कुल 10 देशों की महिला क्रिकेट टीम ने भाग लिया था, जिसमें से अभी 10 टीमों के नाम हमने गिनाए थे आपको। और इसमें अगर 2 टीमों की हम बात करें, इस विश्व कप में 8 टीमों ने सीधे इस टूर्नामेंट में भाग लिया, मतलब भागीदार बनी, जबकि थाईलैंड और जो बांग्लादेश है,
थाईलैंड बांग्लादेश ने आईसीसी महिला विश्व कप T20 का क्वालिफायर मैचों के माध्यम से ही क्वालिफाई किया था वो, ठीक है। तो इसका आंसर इसमें ये गलत हो जाएगा, यहाँ 10 टीम होगा ना कि 8 टीम, इसको याद रखेंगे। वो 8 इसीलिए ऑप्शन में दिया है आपको। अगर तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बैथ मोनी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है, ये बिल्कुल सही है। सर्वाधिक 13 विकेट ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज मैगन स्कट ने लिए थे, तो ये बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये इसमें ठीक नहीं है, कौन सा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ टोटल अगर आपसे पूछे तो 10 टीमें करेंगे, अगर अलग से स्टेटमेंट में ना पूछे, वन लाइनर में अगर पूछता है तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2020 में आयोजित होने वाला 29वां अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट नोबल कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण के दृष्टिगत स्थगित कर दिया, इसको पोस्टपोन कर दिया। अब ये टूर्नामेंट किस महीने में आयोजित होगा। देखिए पहला ही क्वेश्चन इसमें स्टार्टिंग ये पूछ लेता, अजलान शाह कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये एक हॉकी टूर्नामेंट से संबंधित है। अब ये महीना पूछ रहा है किस महीने में ये प्रस्तावित है, तो ये टूर्नामेंट जो है 24 सितंबर से 3 अक्टूबर 2020 तक चलेगा, यानी आगामी जो आने वाला सितंबर है 24 सितंबर से शुरू होगा, 3 अक्टूबर तक 2020 तक ये चलेगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन मलेशिया में किया जाएगा, मलेशिया के इपोह में इसको किया जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, तो यहाँ इसका आंसर हम करेंगे सितंबर में ये शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 22 फरवरी 2020 से 1 मार्च 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण हुआ, ये इसमें कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान बनाया है अपना। अब ये हुए कहाँ पर हैं ये भी आप देख लीजिए। तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का जो पहला संस्करण का आयोजन किया गया, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है ये, कहाँ पर, भुवनेश्वर में है, यानी उड़ीसा में है। तो इसमें जो है अगर आप आंसर करेंगे तो ऑप्शन ए है, सबसे ज़्यादा जो पदक तालिका में पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे आगे थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 24 मार्च 2020 को अब्दुल कादिर मोहम्मद फराह कोरोना वायरस COVID-19 से संक्रमित होने के कारण मृत्यु हो गई थी इनकी, वो किस खेल से संबंधित हैं। देखिए कई सारी मौतें हुई हैं कोरोना वायरस के चलते, काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ की, तो इन पर क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, पूर्व फुटबॉलर थे अब्दुल कादिर मोहम्मद फरा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर आपसे पूछे कि किस देश के थे, तो देश भी आप याद रखिएगा, सोमालिया के पूर्व फुटबॉलर हुआ करते थे ये। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्च 2020 को कौन सा क्रिकेटर ऐसा है जिसने 500 T20 मैच खेलने का विश्व का, या 500 T20 मैच में जो पार्टिसिपेट करने वाला है, 500 T20 मैच को खेलने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर बन गया है। तो ये है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान हैं किरेन पोलार्ड जो है 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है अगर पहले बने हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर इसमें दूसरे स्थान पर पूछेगा तो ड्वेन ब्रावो सेकेंड पर हैं और क्रिस गेल थर्ड पोजिशन पर है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 मार्च 2020 को बलवीर सिंह खुल्लर का निधन हो गया था, वो किस खेल से संबंधित थे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 मार्च 2020 को पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे बलवीर सिंह खुल्लर, इनका निधन हो गया है, और ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले ये भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे पहले, ऑप्शन इसका हो जाएगा हॉकी टीम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 21 फरवरी 2020 को किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया है। तो न्यूजीलैंड के रॉस टेलर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, क्रिकेट के तीन फॉर्मेट, एक तो होता है टेस्ट, ठीक है, क्रिकेट में होता है एक टेस्ट मैच, एक होता है वनडे मैच, और एक होता है T20 मैच। ये तीन फॉर्मेट हैं, इन तीनों फॉर्मेट में 100 100 100, यानी इसमें भी टेस्ट भी 100 खेले हैं, वनडे भी 100 खेले हैं, और T20 भी 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए रॉस टेलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूछेगा आपसे कि किस देश के हैं ये, तो न्यूजीलैंड के। और ये 21 फरवरी 2020 को रॉस टेलर ने ये उपलब्धि जो है भारत के विरुद्ध अपना 100वां टेस्ट खेलते हुए हासिल की थी। अब उनके पीछे अगर हम बात करें, भारत के रोहित शर्मा हैं और पाकिस्तान के शोएब मलिक हैं। अगर इन्होंने वनडे की बात करें इनके, तो T20 में इन्होंने 100 से ज़्यादा मैच खेले, तो इनके बाद रोहित शर्मा का नंबर आ सकता है, ठीक है, पहले नंबर पे याद रखना रॉस टेलर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 14th क्वेश्चन है, 26 मार्च 2020 को किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का
कोरोना वायरस से निधन हुआ है। 26 मार्च 2020 को स्पेन की राजकुमारी थी मारिया टेरेजा, इनका इनको कोरोना संक्रमण हुआ था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई। 86 वर्ष की थी, 86 की थी। इनको ही जो है रेड प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। रेड प्रिंसेस किसको कहा जाता है? रेड प्रिंसेस जो स्पेन की राजकुमारी है मारिया टेरेजा, इन्हीं को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये डी, इसका सही आंसर है, सॉरी सी, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। 9 मार्च 2020 को किसने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन जो है नए महानिदेशक चुने गए, नियुक्त किए गए हैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। 5 मार्च 2020 को NS विश्वनाथन ने किस पद से इस्तीफा दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्चुअली 5 मार्च 2020 को NS विश्वनाथन ने RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद से इस्तीफा दिया है, डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 है। 28 फरवरी 2020 को भारतीय संसद के सदस्य वैद्यनाथ प्रसाद महतो का निधन हुआ है, किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो सांसद, ये थे सांसद थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वैद्यनाथ प्रसाद महतो, 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में इनका निधन हुआ है। ये जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड के ये सदस्य थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन से देश ने की? तो इसका मेजबान देश था कौन? चाइना, ऑप्शन ए। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम इस टेस्ट सीरीज़ को जो है रोकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ हम जो है 3 करेंगे, जिसमें कि आज नहीं हो पाएगी, कल आएगी वो तीसरी। कल हम जो है 3 टेस्ट सीरीज़ करेंगे करंट अफेयर्स की। पहले हम करंट अफेयर्स को ख़त्म कर लेंगे, जैसे हम अक्टूबर 2019 से लेकर के अप्रैल और मई के भी करंट अफेयर्स आपको करवा दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले करवा देंगे, फिर हम आपको जो कैटेगरी वाइज जैसे पुस्तकें, नियुक्तियां, बुक्स आती है ना, नहीं है ना, इंपॉर्टेंट डेज और पुरस्कार किसको मिले, योजनाएं कौन कौन सी हैं, अभी तो मिक्सअप करा रहे हैं, फिर मैं आपको सेपरेट सेक्शन वाइज करवा दूंगा इनको। ठीक है, अभी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।